हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न प्रदीतिमन। हम लोगों ने क्लास 8 की पॉलिटी को स्टार्ट किया था। दो चैप्टर हमने कर लिए थे, आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे, विकास की अवधारणा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देखिएगा, और आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक भी करें और शेयर भी करें, जिससे कि सभी इसका फायदा ले सकें। क्वेश्चन वन है, विकसित देश में कौन से देश आते हैं? विकसित देश में कौन से देश आते हैं? इसका आंसर है इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड और जापान। देखिए, विकसित देश से क्या तात्पर्य होता है? वो देश जहां आर्थिक विकास तेजी से हुआ हो और लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वह भी बहुत अच्छी हो और सुख सुविधाएं जो है वो प्रचुर मात्रा में हो, तो वह देश विकसित देश कहलाते हैं। जिसमें एग्जाम्पल क्या है? इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड और जापान। क्वेश्चन नंबर टू, विकासशील देश में कौन से देश आते हैं? तो देखिए, अगर कोई पूछता है कि भारत जो है वह क्या विकसित देश है या विकासशील देश है, तो यहाँ क्वेश्चन टू करने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। विकासशील देश में कौन से देश आते हैं? जहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है और वहाँ का विकास जो है वह धीमा है, वह प्रति व्यक्ति आय भी कम है, जो विकास के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे कि भारत है, यह विकासशील देश में आता है, ब्राजील और इंडोनेशिया। तो यहाँ की जो जनसंख्या है वह बहुत अधिक है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो यहाँ पर कम है, लेकिन विकास के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए ये विकासशील देश में आते हैं। तो अब आप बता पाएंगे कि भारत जो है वह विकसित नहीं बल्कि विकासशील देश है, और अमेरिका जो है वो विकसित देश है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विकास को किस प्रकार मापा जाने लगा है? तो विकास को यदि हम मापेंगे किसी भी देश के, तो वह किस तरीके से मापा जाने लगा है? मानव विकास सूचकांक द्वारा विकास को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, मानव विकास सूचकांक में किन किन चीजों को ध्यान रखते हैं? तो इसमें ध्यान रखते हैं उस देश की शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, व्यक्ति की क्रय शक्ति, ठीक है, व्यक्ति के द्वारा उसके खरीदने की कितनी क्षमता है, उसकी जीवन प्रत्याशा कितनी है और उसकी शिक्षा, ये सभी मानव विकास सूचकांक में जब हम मापते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, प्रति वर्ष मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रति वर्ष मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यह प्रति वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, सतत विकास से क्या तात्पर्य है? सतत का मीन्स होता है लगातार और विकास, ठीक है, तो सतत विकास से तात्पर्य है जिसमें भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, यानी कि भावी, यानी कि जो भविष्य में जो पीढ़ी होंगी तो उनको ध्यान में रखते हुए हम वर्तमान में जो भी प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधन है उनका यूज करें, यानी कि कोई भी चीज को हम जानबूझकर वेस्ट ना करें, तो हम आगे की पीढ़ियों के लिए बहुत सारी चीजें हैं, संसाधन जो हैं वो बचाकर ही चलेंगे, तो इसीलिए जो भी आवश्यकता है उनको पूरा भी कर ले और उन प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रकार से दोहन किया जा सके, जिससे कि सतत विकास हो, जिससे कि निरंतर विकास होता रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेवन, प्रति व्यक्ति आय से क्या अर्थ होता है? तो देखिए, जब हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं एक देश की, तो वहां की जो जनसंख्या है उससे हम राष्ट्रीय आय में भाग देते हैं, जो भी नेशनल इनकम होती है उसमें भाग दिया जाता है, किसका? उस देश की जनसंख्या का। तो एक व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय वो है निकल कर आती है, ठीक है, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय जनसंख्या। क्वेश्चन एट, जीवन प्रत्याशा क्या है? तो हमने देखा मानव विकास सूचकांक जो है वह जीवन प्रत्याशा पर भी निर्भर करता है, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो जीवन प्रत्याशा क्या होती है? किसी देश के नागरिकों की औसत आयु ही जीवन प्रत्याशा कहलाती है, ठीक है, किसी देश के नागरिकों की जो औसत आयु होती है तो वह जीवन प्रत्याशा कहलाती है।
तो यहाँ पर इस चैप्टर में केवल 8 ही क्वेश्चन निकल कर आए थे और जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ तक हमने जो बेसिक चीजें थी वो कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा आपका 8th क्लास का चैप्टर नंबर 4, यहाँ से आपके सिलेबस से क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था तो कि पिछले वीडियो जो है वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जो है वो आपके बन जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट चैप्टर 8th क्लास का, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि सिलेबस में आपके दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। थैंक यू।